अपनी छब बनाई की जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। दोस्तों, अध्यात्म जगत में ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग गुरुओं ने, संतों ने, सिद्धों ने हमें बताए हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, किंतु सर्वत्र ऐसा मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति ने भी भक्ति मार्ग का चयन किया, जिसने खुद को खत्म करके अपने ईश्वर को प्रमुख बनाया, जिसको ना कुछ जानने की इच्छा है ना जिसको कुछ ध्याने की इच्छा है, उसे सिर्फ अपने प्रभु के, अपने गुरु के, अपने माता पिता के प्रेम में बहना आता है, वह भक्त है। और जिस राह पे वह चलता है उसे हम भक्ति कहते हैं। सहज भाव से अपने भगवान में अपने जीवन को लीन रखने का नाम ही भक्ति है। जब आपका हर एक कर्म, आपका हर एक विचार आपके ईश्वर को समर्पित हो तो उसे हम भक्ति कहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं भक्ति के विषय में आचार्यों की, संतों के क्या मत रहे हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं और मेरे जीवन में भक्ति की जो परिभाषा मैंने अपने लिए गढ़ी है, मैं आपके सामने आज वो पेश करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें ईश्वर, गुरु या आपके भगवान और आपके बीच कोई दूरी ना रह जाए। जब ईश्वर प्राप्ति हो जाए, जब किसी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए, तब भक्त और भगवान के मिलन की अवस्था को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति प्रेम जैसे लगने वाली एक पारलौकिक अवस्था का नाम है। प्रेम और भक्ति में थोड़ा फर्क तो है। बाहरी तौर पे भक्ति में द्वैत दिखता है, क्योंकि उसमें एक भक्त है और एक भगवान है, और जहां दो हो गए वहां द्वैत होना, द्वंद होना निश्चित है। किंतु भीतरी अनुभव इससे परे है। भक्ति भक्त के समाप्त हो जाने का नाम है। अर्थात ऐसा कुछ भी जो एक भक्त अपना मान के संसार में चलता है, यानी उसकी पहचान, उसका नाम, उसका अहम, उसकी सोच, उसका ज्ञान, जब इन सभी को वो शून्य मान के, इनको भुला के अपने ईश्वर को ये सभी कुछ समर्पित कर देता है और अपने ईश्वर की इच्छा में ही खुद की इच्छा को ढूंढता है, तो उस अनुभव को हम भक्ति कहते हैं। जब भक्त अपने मन, बुद्धि, चेतना, ज्ञान, इन सभी को अपने भगवान में लगा देता है, तो भक्ति की महारात्रि उसके देह और आत्मा के सभी शोरगुल को शांत कर देती है। और इसीलिए किसी भी भक्त को भक्ति के अनुभव में परम सुख और एक परम शांति महसूस होती है। एक परम शांति जिसमें सिर्फ आपके भगवान हैं। पर इसमें अहम को तोड़ना बहुत जरूरी है। भक्ति समर्पण का नाम है। जब तक व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने अहंकार से परे नहीं जाता, वह भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिया। भगवान कृष्ण ने भक्ति को अध्यात्म के केंद्र बिंदु पर रखा है। वे कहते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। और दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक एक भक्त का कर्तापन, जब तक उसका जो यह विश्वास है कि कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं, जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि यह अहम का एक स्वरूप है। आपने अगर कुछ अच्छा कार्य किया ही नहीं है तो उसके लिए किसी प्रकार से हर्षित होना जायज नहीं है। उसी प्रकार जब आप करता ही नहीं है और कहीं कुछ अगर नोकझोंक हो गई, कुछ अगर आपसे भक्ति में, आपके जीवन में कहीं कुछ गलती हो गई या किसी से ऊपर या किसी से नीचे रह गए, तो ना किसी प्रकार का कोई द्वेष है, ना किसी प्रकार का कोई दुख है और ना ही कोई कामना है। आपके जीवन में आपकी शुभता भी आपके ईश्वर से जुड़ी हुई है और जो अशुभता है वो भी ईश्वर से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपके ईश्वर द्वारा आपको दिया गया एक प्रसाद है। आपके लिए वह जरूरी है, इसलिए आपके जीवन में वह सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशन जब क्रिएट हो रही हैं, उन सभी को एक जैसा समझ के, चाहे दुख हो, सुख हो, जीत हो, हार हो, जब उन सभी को ईश्वर को समर्पित करते हुए
व्यक्ति अपने ईश्वर में अपने चित्त को लगा के, अपने मन को लगा के, उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हुए जब अपने जीवन का यापन करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अवस्था में भक्ति युक्त जो मनुष्य है वह उनको अति प्रिय है। और इसका साफ सुथरा अर्थ यह है कि भक्त स्वभावतः एक मध्यम मार्गी स्थित प्रज्ञ होने का नाम है। चाहे भक्त को यह बात पता भी ना हो कि मध्यम मार्ग क्या है, स्थित प्रज्ञ की क्या अवस्था है, किंतु अगर भक्ति ने आपके जीवन में अपने पुष्प को खिलाया है, अगर आपके जीवन में भक्ति की जोत जागृत हुई है, तो धीरे धीरे आपको केंद्र पे, आपको मध्य में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि वही भक्ति की अवस्था है। भक्ति एक ब्रह्मलीन अवस्था है जहां भक्त की पहचान खत्म हो जाती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू दीदो रांझा मनु हीर ना आखो कोई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच मैनू होर ख्याल न कोई, खो लोको हीर सलेटी किथे आन खलोई। सूफी संत बाबा बुल्ले शाह के इस कलाम में हीर यानि भक्त और रांझा यानि उनका ईश्वर, उनका भगवान, उनके गुरु, उनके मुर्शिद, वे कहते हैं कि रांझा रांझा करते हुए मैं खुद रांझा बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। लोगों मुझे रांझा बुलाओ, मुझे हीर मत बुलाओ, क्योंकि अब जो हीर था, जो भक्त था, वो तो अब खत्म हो चुका है। जब भक्ति का प्रस्फुटन होता है तो सिर्फ शेष बचता है भगवान, जो सत्य है, जिसकी भक्ति में आप लीन हैं, जिसने आपको उस नशे में डुबा रखा है, अब सिर्फ वही बचा है। बाबा कहते हैं कि रांझा मुझ में है और मैं ही रांझा हूं, इसके अलावा ना मुझे और कोई विचार आता है, ना इसके अलावा मैं और कुछ सोचता हूँ। मेरे जीवन का एक ही विचार है, एक ही उद्देश्य है, और वो है मेरा मुर्शिद, मेरा ईश्वर, मेरा रांझा। दोस्तों, भक्ति को ज्ञान से परे माना गया है। संतों ने ऐसा कहा है कि भक्ति हृदय का विषय है, इसमें बुद्धि का, ज्ञान का कहीं कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मेहर बाबा कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक भक्त को या किसी भी डिवोटी को अपने दिमाग की बात को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिमाग की बात सुनते हैं तो उसमें डाउट्स आते हैं, उसमें रीजनिंग है, उसमें कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, और इसमें हमारा जो बुद्धि है वो हमें उलझा के रखता है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय की गहराइयों में उतर के जो अपनी निम्न स्तरीय इच्छाएं हैं, जो अपना सेल्फिशनेस है, जो हमने सब कुछ अपना मान रखा है, हमारी झूठी आइडेंटिटी, हमारा अहंकार, अगर जीवन में कुछ हासिल कर लिया है तो उसको लेके, हमारे अचीवमेंट को लेके एक दंभ, और अगर कुछ खो दिया है या कुछ अगर हासिल ना कर पाए हैं तो उसको लेके मन में जो एक ग्लानी है, जो एक गिल्टी है, जब हमारे मन से, हमारे हृदय से ये सभी प्रकार का कचरा जब साफ हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं हमारे मन में खुद को विराजता है, हमारे भीतर अंदर अपनी भक्ति को जागृत करता है, और तब हृदय से जो ईश्वर के प्रति एक स्वच्छ प्रेम का भाव, बिना किसी इच्छा का, एक निष्काम भाव की जब भक्ति जागृत होती है, तो व्यक्ति या भक्त स्वयं ईश्वर बन जाता है, या भक्त के अंदर भगवान उतर आते हैं। भक्ति की पहली पहचान निर्भीकता है, एक निडरता, किसी का कोई डर नहीं। हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार या किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, पर यह एक परम विश्वास है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होना होगा तो उसमें भी मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो जो होना है वो हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, जब इसकी हमें चिंता ना रहे तब उस अवस्था को भक्ति मान लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो खोने को था वो तो हम सब पहले ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि जब तक एक भक्त अपना फायदा नुकसान, हार जीत, भला बुरा सोचता रहेगा, ढूंढता रहेगा, तब तक वह कभी निडर नहीं बन सकता। और जिस समय वह इन सभी से परे हो जाता है तो उसे ना कोई डर है, ना कोई चिंता है। और भक्तों के निडर होने की वजह से ही उन्हें बहुत सी पीड़ाएं दी गई, उन्हें बहुत से दर्द दिए गए हैं। कभी मीरा, कभी प्रहलाद, कभी अलहिल्लज मंसूर, कभी सरमद, कभी रसखान, तो कभी संत ज्ञानेश्वर। सभी पे इतिहास में आप देख सकते हैं कि मानसिक अथवा शारीरिक रूप से कई प्रकार से यातनाएं दी गई हैं, पीड़ाएं दी गई हैं, इनको परेशान किया गया है। पर इन सभी अवस्थाओं में एक चीज
जो सभी के साथ सामान्य थी, जो सभी के जीवन में कॉमन थी, वो थी उनका ईश्वर के प्रति उनका भक्ति भाव, मजबूत एक पक्का विश्वास जिसे कोई हिला ना सका, ना कोई पीड़ा, ना कोई डर, ना कोई धमकी और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रलोभन। दोस्तों, मुझे भगत सिंह जैसे वीरों में भक्ति रस दिखता है, जिन्होंने जीवन को परम स्वतंत्रता में भिगो दिया, बसंती रंग को ऐसे रंग लिया कि रोम रोम हर्षित हो उठा, और 22-23 साल का नौजवान जिसके जीवन में ना जाने कितनी इच्छाएं होती हैं, ना जाने कितने भौतिक जगत के सुखों को वो देखता है, कितने अरमान होते हैं, परिवार की इच्छाएं, आकांक्षाएं, सुख दुख, अपने सुखद भविष्य के लिए इंसान बहुत से चित्र बना लेता है, किंतु उन सब के होने के बाद भी आखिर कुछ तो था जो इतना निडर, इतना वीर और इतना पराक्रमी व्यक्ति फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमते हुए उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ये एक भक्त ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि भक्त का तो कभी नाश होता ही नहीं। एक परम पवित्र देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति इस भक्ति को मेरा प्रणाम। इसीलिए आज ये सभी सिद्ध हैं, ये परम ईश्वर में लीन महाब्रह्म ज्ञान, और इनकी इसी समर्पण भाव के कारण, इनके इसी भक्ति भाव के कारण आज हम इन्हें सिद्धों और संतों की श्रेणी में रखते हैं और इनके बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी हैं, इससे हमें यह तो समझ में आ गया है कि सिद्धों ने, संतों ने भक्ति की अवस्था के विषय में हमें क्या बातें बताई हैं, उसकी क्या पहचान है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भक्ति हृदय का विषय है और इसीलिए यह ज्ञान और बुद्धि के परे है, पर क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भक्ति करते वक्त बिल्कुल अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहिए? और अगर हम अपने दिमाग का उपयोग ना करें तो हम कैसे अपने ईश्वर को ढूंढें, या आखिर वो कौन है जो मुझे इस रस में डुबा रहा है, या मुझे आखिर किसकी राह में आगे बढ़ना है? और दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको मीराबाई की एक कविता के माध्यम से देना चाहूंगा। मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री आख्या खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूरब जन्म का कोल। ये बात बहुत गहरी है। मीराबाई अपनी सखी से कहती हैं कि माई मैंने कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है कि प्रियतम को चुपचाप बिना किसी को बताए सबसे छुपा के एकांत में अकेले में उसको ध्याओ, उसका स्मरण करो, और कोई कहता है कि सबके सामने खुलेआम ढोल नगाड़े बजाते हुए उसका स्मरण करो। मैं तो ढोल नगाड़े बजाते हुए बिना किसी से छुपाए सबके सामने सबको कहती हूं मैंने गोविंद को मोल लिया है। कोई कहता है कि तुमने सौदा महंगा ले लिया, तो कोई कहता है सस्ता ले लिया। अरी सखी, मैंने तो तराजू से तोल कर गुण अवगुण देख कर मोल लिया है। कोई काला कहता है तो कोई गोरा कहता है, मगर मैंने तो अपनी आंखों को खोल कर यानी सोच समझ कर गोविंद को खरीदा है। मीराबाई का ये छंद, उनकी ये कविता उन भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं कोई संशय है, जिनको अभी भी अपनी राह पे, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं आया है, जिन्हें शायद अभी भी लगता है कि कोई कमी रह गई है, और उनके लिए मीराबाई ने खुली छूट दी है कि जैसे चाहो वैसे आजमा लो, समझ लो, पढ़ लो, जान लो, और जब तुम्हारा मन भर जाए, जब कहीं कोई संशय ना रह जाए, कहीं कोई डाउट ना रह जाए, जब सब प्रकार से आप प्रयास करके थक चुके हो, जब आपका मन भर जाए, तब मानो, तब उसके प्यार में डूबो। तब तक डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीरा ने बिना कुछ जाने समझे कृष्ण को नहीं मोल लिया। शिष्य अगर अपने गुरु की भक्ति सिर्फ इसलिए करने लग जाए क्योंकि वे गुरु हैं, तो संशय उत्पन्न होगा। एक पुत्र या एक पुत्री अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव से, भक्ति भाव से जीवन यापन करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वे माता पिता हैं, तो शायद फिर भी कहीं ना कहीं कोई संशय रह जाए। उसी प्रकार एक भक्त अपने भगवान को सिर्फ दुनिया कहती है कि भगवान है, और सुना है लोगों से कि वो चमत्कारी है, वो प्रेम का सागर है, ऐसा मान सुन के सिर्फ अगर पूजेगा, अगर भजेगा, तो संशय हो सकता है। किंतु
किसी शिष्य ने अगर अपने गुरु को समझा हो, उन्हें पूरी तरह जाना हो, तो जीवन में उनके किसी भी विचार पे, उनकी किसी भी बात पे ना कोई संशय रहेगा। और जब आपने किसी को जान के, समझ के, समय लेके उसको फॉलो करना शुरू किया, उसकी बताए हुए मार्ग पे चलना शुरू किया, तो ना मन में कोई डाउट है और ना कभी कोई खतरा या कोई डर रहेगा। इसलिए भक्ति का अर्थ अंधा अनुसरण नहीं है दोस्तों। भक्ति विश्वास की एक परम पराकाष्ठा की अवस्था है, किंतु ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अंधविश्वास भी विश्वास से ऊपर की अवस्था है। विश्वास में व्यक्ति दूसरे पे भरोसा तो कर लेता है, किंतु जब किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी विषय में हमारा अंधविश्वास हो जाता है, तो हम अपने ज्ञान चक्षुओं को बंद करके, अपनी आंख कान को बंद करके अंधा अनुसरण करने लगते हैं, और यह हमारे नाश का कारण बनता है। भक्ति तो इससे भी परे है। भक्ति में ना कोई विश्वास और ना ही कोई अंधविश्वास है, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान छुपा है। और भक्ति में तो ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। भक्ति में सिर्फ भक्ति है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। दोस्तों, अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब दिन रात बस एक ही ख्याल, एक मुराद, एक फरियाद और हर जज्बात में भी एक ही बात लगने लगे, शरीर की हर सांस जब हरि गुण गाए, गुरु गुण गाए, अपने प्रियतम या प्रियसी के प्रेम में डूब जाए, तो समझना कि कृष्ण की बंसी या शिव का डमरू बज उठा है और आपके जीवन में भक्ति रस अब फूट चुका है। और भक्ति की धारा एक अनंत की धारा है। जब हरि अनंत है तो उसका प्रेम भी अनंत है, उसकी भक्ति भी अनंत है। ये भक्ति जब प्रस्फुटित होती है तो इसका कभी कोई अंत नहीं है। ये निरंतर बहने वाली, कभी ना कम होने वाली ना कभी ज्यादा होने वाली, एक परस्पर बहने वाली गंगा है। भक्त को चाहिए कि अपने जीवन के सभी कर्मों को, अपने सभी विचारों को, अपनी ज्ञान बुद्धि इन सभी को इस भक्ति की धारा में इसके साथ बहाते चले, अपने आप को इस धारा में डुबोए रखे, इससे खुद को जोड़े रखे। क्योंकि जब तक भक्त ने खुद को समर्पण भाव से ईश्वर को सौंप रखा है, तब तक ये धारा उसे बहाती रहेगी और उसके जीवन के अंतिम छोर तक ले जाएगी। पर जहां व्यक्ति ने कहीं भी खुद को इस भक्ति की धारा से परे समझने का प्रयास किया, या भक्त के जीवन में अगर कभी अहंकार आ जाता है, तो इतिहास गवाह है कि नारायण ने कहा है कि अहंकार उन्हीं का ग्रास है। और तब एक भक्त को बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप सच में भक्त हैं, अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर आप सच में इस नशे में डूबना चाहते हैं, अपने हरि को ही अपना सर्वस्व और सर्वत्र देखना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने हरि का स्मरण करें, उनकी लीलाओं को ध्यान में रखें, उनके बारे में सोचें, उनके दिए हुए ज्ञान को समझें, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलें, और बिना किसी संशय के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर या बिना किसी चिंता के उनके प्रेम में डूबें। इसी को भक्ति कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। भक्ति के विषय पे आप अपने विचारों को मुझ तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके विचार हैं वो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।